खुशामदीद। SKM 91 न्यूज पर आप तमाम व्यूवर्स का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। 5 रुकनी गैंग 44 किलो गांजा बरामद। गांजे की तिजारत में मुलव्वस 5 रुकनी गैंग को पुलिस ने जुमेरात को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 44 किलो गांजा, 2 कारें, 8 मोबाइल फोन और 12 लाख रुपए की नकदी जब्त किए। गिरफ्तार अफराद में वी वीरन्ना 33 साल के, अजमीरा वीरन्ना, सुनामी मनोज, मेरुगुप मधु, प्रशांत नायक और मोहम्मद जहांगीर शामिल है। तेलंगाना स्टेट एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो के डायरेक्टर CV आनंद ने कहा कि ये गैंग आंध्र प्रदेश से गांजा मंगवाकर महाराष्ट्र के बेड जिला में एक शख्स निखिल को सप्लाई कर रहे थे। इन्होंने मजीद कहा कि हर ऑपरेशन के लिए वीरन्ना ने एक नया सिम कार्ड इस्तेमाल किया। इसने गांजे को मंजिल तक पहुंचाने के लिए ऊंची गाड़ियों का इस्तेमाल किया और टूल गेट्स पर खुद को एक पुलिस ऑफिसर के तौर पर मुतारफ कराया। गिरफ्तार अफराद में से एक प्रशांत नायक ग्रेहाउंड्स पुलिस में काम करते थे। आइए देखते हैं इस खसूस में चंद तफसील हमारे नुमाइंदे जाफर की एक खास रिपोर्ट में। SKM 91 न्यूज़ के एडिटर एंड चीफ इश्तियाक अहमद के साथ आ रहे हम। और खास खबर के लिए आपके अपने न्यूज़ चैनल SKM 91 न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। एक गांजा सप्लाई करने वाले गिरोह को हमारे TS नैब तेलंगाना स्टेट नारकोटिक्स ब्यूरो के अफसर उनको पकड़े हैं। ये बीच अब हमारे शहर में भी ओल्ड सिटी के थोड़े जगहों पर ग्रेवयार्ड्स, डार्क एरिया जहां पर है वहां पर थोड़ा न्यूज आ रहा है और थोड़े जिलों में भी गांजा कंजम्पशन करने का इंफॉर्मेशन हमको आ रहा है। तो उसके तहत हमारा ये जो टीम है वो मेहनत करके आज एक स्टेट लेवल ऑपरेशन उन्होंने किया है। ये एपुरु के विलेज में गुडूर मंडल महबूबाबाद डिस्ट्रिक्ट, उसमें वंकुडोत वीरन्ना एलियास वीरू, ये बिजनेस वहां पर चालू किया। 2006 से वहां पर है। वहां पर SSC फेल होने के बाद हैदराबाद शहर में उस्मान यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में अपना एक रिश्तेदार के पास रहते हुए ऑटो ड्राइवर का काम करते हुए ये वहां पर पढ़ाई कर रहा था। फिर 2009 में SSC पास हुआ। उसके बाद 2013 में अन्नमाचार्य डिप्लोमा फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज से डिप्लोमा किया। उसके बाद HDFC बैंक में थोड़े दिन, महाराणा ई टेक्नो स्कूल में थोड़े दिन इसने काम किया। फिर उसके बाद अपने एक मामा के पास ये ड्राइवर का काम करता था बचपन में। वो सूर्यापेट में रहने वाला ये तेजावत चंदा, वो बुढ़ापे के कारण ये बिजनेस बंद कर, उसको आइडिया आया कि क्यों ना मैं भी गांजा सप्लाई करने का बिजनेस करूं, पेडलर बनूं। तो ये बिजनेस उसने शुरू किया, छोटे पैमाने पर शुरू किया, धीरे धीरे बहुत बड़े क्वांटिटीज और गांजा वाइजैक से लेकर आकर भीड़, महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट के भीड़ में बेचना और यहां पर भी छोटे छोटे क्वांटिटी सप्लाई करना इसने शुरू किया। तो इसका जो तरीका था ये जुर्म करने का वो था कि वाइजैक अपने ड्राइवर्स को ले जाता है। वहां पर सोमनाथ नाम का एक फार्मर है, बड़ा फार्मर है, वो गांजा उगाता है अपने फील्ड में। तो वो सोमराज से कांटेक्ट बनाकर हर बार उसके पास थोड़ा गांजा, ये बीच हर बार हर विजिट पे 100 kg लेकर आना शुरू किया। तो इसका में जो तरीका है उसमें हमें देखने वाली चीज यह है कि पुलिस ऑफिसर्स का बिहेवियर करता था। वो आप जैसे देख रहे हैं 4 हाई एंड व्हीकल्स खरीदना, वो हाई एंड व्हीकल्स में करके उसमें सीक्रेट कंपार्टमेंट्स बनाना, फिर उसमें गांजा लगा के जो चेक जो टोल गेट्स होते थे रास्ते में उसको
उसका आईडी कार्ड फेक आईडी कार्ड बना के उसको को यूज करना, पुलिस का साइरन लगा के यूज करना, फेक नेम प्लेट लगाना जैसे कि डिप्टी कौंसिलदार या सब इंस्पेक्टर या ऐसे नेम प्लेट लगाना और वहां पर बोलना कि मैं ऐसा ही हूँ, तो ये सब करते उनसे करना क्या है। तो इसका हमने उससे पूछा कि कौन इतना तुमको कॉन्फिडेंस दे रहा है कि आप काम कर रहे हैं, तो उसने बताया कि एक रिश्तेदार है स्टेबल ऑक्टोपस में काम कर रहा है उसका नाम, और उसको भी हमने अरेस्ट किया है अभी प्रशांत के जरिए, उसको सब कुछ मालूम हो रहा है कैसे बिहेव करता है, कैसे आपको करना है, पूरा गाइडेंस उसको मिल रहा है वहां से। तो ये हाई एंड व्हीकल्स लेकर उसमें ये ड्राइवर के साथ आता है, ड्राइवर को बोलता है कि तुम सीधे और ड्राइवर को बदल के वो दूसरे ड्राइवर को बोलता है कि बीड जो शहर है महाराष्ट्र में वहां के शहर से बाहर जाके रुको, मैं आके फोन करता हूँ कॉन्टेक्ट करता हूँ। हर ऑपरेशन में नया सिम और नया फोन यूज करता है, फिर वरंगल घर जाकर रिफ्रेश करके फिर हैदराबाद एयरपोर्ट से एक फ्लाइट लेकर वहां फ्लाइट उतर के मुंबई एयरपोर्ट में वहां से फिर बाई रोड वो भीड़ में जहां पर उसका ड्राइवर पहुंचा है गाड़ी के साथ उसको कॉन्टेक्ट करके वहां पर फिर से ड्राइवर बदल के वो निकिलेश नाम का एक पेडलर है वहां पर उसको कांटेक्ट करके ये गांजा का सप्लाई जो है जो 100 केजी का है उसको हैंड ओवर करता है। उसको फायदा यह है कि 4000 में पर केजी खरीद कर 25000 पर केजी ये निखिलेश को दे रहा है। तो इस तरीके से इसने पिछले 2-3 साल में 4 करोड़ का प्रॉपर्टी बिल्डअप किया है। हमने अपने सीजे रिपोर्ट में बनाया है कि गुड़े ने अपने गांव में एक अच्छा सा घर बनाया है जिसका वैल्यू है 30 लाख। एक मार्ट सुपर मार्केट में अपना शेयर दिया है 50 लाख का। मोहिनी में 13% शेयर लिया है 15 लाख का, और उत्तर में एक प्लॉट के लिए एडवांस दिया है 12 लाख का जो हमने सीज किया है। तो इस ऑपरेशन में ये 44 kg गांजा सीज हुआ है, 8 सेलफोन सीज हुए हैं और 4 व्हीकल्स जो देख रहे हैं आप वो भी हमने सीज किया है। इसके अलावा एक JCB भी खरीदा है जो अभी प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट में रेंट के लिए दिया है माइनिंग के लिए, और एक इनोवा क्रिस्टा भी है उसको भी सीज करना बाकी है। तो इस तरीके से